नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको पद्मासन समूह के अभ्यासों में आगे के अभ्यास बताएंगे। यह अभ्यास एडवांस श्रेणी में आते हैं। जब आपके शरीर में पर्याप्त फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ हो, तभी आप इन अभ्यासों को प्रैक्टिस करें। यह अभ्यास यंगस्टर्स के लिए बहुत लाभकारी है। दोस्तों, इन अभ्यासों को करने से हमारा शरीर काम, कूलिंग और रिलैक्स स्टेज में आता है। और यह अभ्यास को करने से हमारे सिर से लेकर पैर तक शरीर के हर अंग पर लाभकारी प्रभाव पड़ता है। आइए देखते हैं कि पद्मासन समूह के इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। पद्मासन समूह के अभ्यासों में हम करेंगे सरल मस्यासना। सबसे पहले हम ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं। ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाइए और अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। ऐसे अर्ध पद्मासना की पोजीशन पर आते हैं और आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे। और फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे कंधों के पास रखते हुए ऐसे अपने सिर को मोड़ लेते हैं और ऐसे अपने एक हाथ से अपने अंगूठे को पकड़ लें और दूसरे हाथ को ऐसे अपने नाभि केंद्र के पास रखते हुए इस अभ्यास को ऐसे भी एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह अभ्यास हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है और हमारे संपूर्ण शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को दुरुस्त करने वाला एक बहुत अच्छा अभ्यास है। और फिर सीधे ऐसे ही इस अभ्यास को फिर दूसरी साइड से करेंगे। ऐसे अपने लेफ्ट पैर को राइट थाइस के पास ऐसे रख लें और अपने दोनों हाथों को ऐसे कंधों के पास रखते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे मोड़ लेते हैं। थर्टी सेकेंड से लेकर टू मिनट तक ऐसे ही सरल मस्यासना की पोजीशन पर रहते हैं। और फिर सीधे ऐसे ही लेफ्ट राइट पैर से इसे आप चार से हम करेंगे तोलांगुलासना। तोलांगुलासना एक ऐसा अभ्यास होता है जिसे करने से हमारा शारीरिक संतुलन सुधरता है। इस अभ्यास को करते समय आपने अपने शरीर का दो शरीरों को जैसे पद्मासन और ऊपरी निचले शरीर और ऊपरे शरीर को संतुलन बनाना होता है। सबसे पहले आपने पद्मासना को लगा लेना है। ऐसे पद्मासना को लगा लिया और फिर ऐसे अपनी दोनों कोहनियों को जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और ऐसे अपने शरीर का समस्त भार अपने हिप्स पर ऐसे रखते हुए ऐसे अपने ऊपरी शरीर को और निचले शरीर को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। और जैसे तराजू के दोनों परड़ों का भार बराबर रखा जाता है, वैसे ही इस तोलांगुलासना को आपने करना है। कम से कम दो मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। या फिर आप अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से रख लेते हैं। और एक आरामदायक अवधि के लिए और फिर इसके बाद आपने ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। ऐसे ही से आप दो से तीन बार कीजिए। हम करेंगे गुप्त पद्मासना। गुप्त पद्मासना को करने से हमारे घुटने, हमारे पेट, हमारे शरीर की हर एक मांसपेशी पर लाभकारी प्रभाव पड़ता है। इस अभ्यास को हम वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे ही पद्मासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाना है और फिर ऐसे आपने पेट के बल सीधे लेट जाते हैं। ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पीठ के पीछे से ले जाते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेनी है। इसके बाद ऐसे ही प्रणाम मुद्रा बनाकर ऐसे अपनी ठोड़ी को जमीन पर स्पर्श करा लेते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम दो मिनट तक ऐसे ही इस गुप्त पद्मासना की पोजीशन पर रहते हैं। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से जिन लोगों के झुके हुए कंधे, मुड़ी हुई पीठ की शिकायत होती है, वह समस्या दूर होती है। यह अभ्यास हमारे बॉडी पोस्चर को सुधारने वाला एक बहुत अच्छा अभ्यास है। जिन लोगों को कंधों में दर्द, गर्दन में दर्द या पीठ दर्द की शिकायत है, उन लोगों ने भी इस गुप्त पद्मासना को जरूर करना चाहिए। और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने ऊपरी शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें और 10 सेकंड तक ऐसे ही रुकें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने सिर को जमीन पर स्पर्श कराइए। इस स्थिति में ध्यान रहे आपकी हथेली और आपके घुटने एक जगह पर स्थिर रहें।
श्वास अंदर भरते हुए ऐसे पीछे और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने सिर को जमीन पर स्पर्श कराइए। ऐसे ही लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ इस अभ्यास को आप कम से कम 10 से 15 बार करें। और फिर इसके बाद ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। पद्मासन समूह के अभ्यासों में अब हम करेंगे गर्भासना योग। आपने अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। ऐसे आपने अर्ध पद्मासना को लगा लेना है और अपने हाथ को ऐसे अपने घुटने के बीच में ऐसे डाल लेते हैं और फिर ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं या फिर अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने कानों को पकड़कर ऐसे सीधे देखते हैं और अपने दूसरे पैर को भी ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। ऐसे अपनी आंखों को बंद कर लें या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बनाकर और फिर सीधे ऐसे ही अभ्यास को दूसरी साइड से करेंगे। ऐसे अपने लेफ्ट पैर को राइट थाइस के पास ऐसे रख लें और ऐसे अपने हाथ को ऐसे अपने घुटने के बीच में से निकालते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा बनाकर किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए या फिर ऐसे अपने पैर को भी घुटने से मोड़ लें। कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। और फिर सीधे ऐसे ही इस अभ्यास को सबसे पहले आप 2 से 3 बार पैर बदलकर प्रैक्टिस कीजिए। अब इस गर्भासना योग को करने के लिए सबसे पहले आपने अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाइस के पास ऐसे रख लेना है और अपने हाथ को ऐसे अपने घुटने के बीच में से ऐसे निकाल लेते हैं और दूसरे पैर को भी ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं। अब आपने पद्मासना को लगाना है, अपने पैर को ऐसे राइट थाइस के पास रखते हुए ऐसे पद्मासना को लगा लिया और अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बनाकर ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने माथे के समीप लाने की कोशिश करें। कम से कम 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। और फिर ऐसे नीचे ऐसे ही इस अभ्यास को आप 2 से 3 बार कीजिए।